ओके अशोक नगर सब सेंटर ओके अच्छा अच्छा ओके अच्छा ओके एक्सेलेंट हाँ छः ओके 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 राइट अच्छा इधर ही चार सेशन और सब सेंटर में एक एक सेशन करके अलग अलग तो ये सारे जो है ये आपके गांव है जो पीएचसी के अंदर है ये आपका और आपने बताया कि आपके 4 या 5 सब सेंटर है अच्छा अच्छा और ये है पांचवा अच्छा शिरोली ओके 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 बोलिए बोलिए फिर फर्स्ट हो गया सर सेकंड अंबोली है इसके अंदर में 6 विलेजेस आते हैं सर राइट तो ये सेकंड वीक में अंबोली बांदेकर और नीलावाड़ा तीन गांव उधर नियर में ही है वो सेकंड वीक में कवर होते हैं एक सेशन और कुंगला ये कोकनवाड़ा दारोड़े कबनाडे के तीन गांव है ये थर्ड वीक में स्पेशल कवर करते हैं एक्चुअली पूरा हर हफ्ते क्यों नहीं करते मतलब एक ही मेल और कर रहे हैं अच्छा और वैक्सीन कैरियर के लिए जो सब सेंटर को इधर से इधर आने के लिए डिस्टेंस नहीं मिलता सर टाइम नहीं मिलेगा वो ऑलरेडी खानापुर जाके वहाँ से अंबोली जाने के लिए इधर अलग होता है सब सेंटर और टाइम नहीं है उसमें बिल्कुल बिल्कुल और वैक्सीन कैरियर के साथ में ऑलरेडी हमको रहना पड़ता है बिल्कुल वैक्सीन कैरियर के सेशन के लिए जो अमाउंट आता है वो एक आदमी इधर सप्लाई नहीं करता हम लोग मेंशन करके पहला होता है कि आपको मैं कैसे करता हूं बिल्कुल सर ये हैं कहे तो सर ये मेन क्या कहे सर ये जो अमर अशोक दो सब सेंटर है ना हाँ ये दो सब सेंटर से एक ही मेल होता है यही है अच्छा इसलिए वो तो फिर आप जब मतलब लेके जाते हो जो सारे वैक्सीन आप लेके जाते हो तो एएनएम वहाँ पे कैसे पहुँचते हैं अच्छा अच्छा बाइक में आप अच्छा तो 5 एएनएम है हाँ 3 मेला तक रहे 5 सब सेंटर में 5 मेला तक रहने का था लेकिन मेला तक रहे में 3 जन पर सैंक्शन दिया है ओके इसलिए 3 मेला तक रहे 3 मेला तक में 2 जनों को 2 सब सेंटर दिया है ये शादी तिरडी को अशोक नगर भी और उन्होंने ले लो ये 2 सब सेंटर देख लेता है अच्छा और ये मल्लिकार्जुन है ये इसको भी 2 सब सेंटर है एक अशोक में ये दो सब सेंटर इनका और 3 सब सेंटर इनका 2 सब सेंटर 2 सब सेंटर हाँ अब ये कैसा था शिरोली वो बड़ा गांव है क्या बोलते हैं महादेव को देश है वो एक अच्छा बहुत बड़ा है तो एक आदमी वो ही देख लेता है तो एएनएम उनके साथ ही जाते हैं अच्छा साथ ही जाते हैं बाइक पे अच्छा और फिर वैक्सीन भी आप लेके जाते हो अच्छा तो फिर खत्म होने के बाद सेशन खत्म होने के बाद आप वहाँ पे सब सेंटर पे उनको एएनएम को छोड़ के हम लोग यहाँ आके वैक्सीन डम करके रिटर्न हमारा फिर लगता है और फिर एएनएम वापस कैसे आते हैं नहीं हमारे साथ में रिटर्न आते हैं अच्छा साथ में रिटर्न आते हैं हमारा जो रहता है मेल ऑर्डर का हम लोग रजिस्ट्रेशन करना रहता है राइट और रिकॉर्ड मेंटेन करना रहता है राइट एजुकेशन देना चाहिए राइट पूरे नेशनल प्रोग्राम के बारे में मोटिवेशन करना फैमिली प्लानिंग ये सब पूरा हम लोग एएनएम और मेल ऑर्डर मिलके ही करते हैं बिल्कुल बिल्कुल वो पूरा खत्म होने के साथ में मिल के आते हैं उसको सब सेंटर को छोड़ के हम लोग फेस आके करते हैं अच्छा और आप लोग क्या एंटीनेटल का विजिट्स भी करते हैं उसके साथ साथ वैक्सीनेशन के साथ साथ क्या करते हैं हाँ बोलो बोलो तो एंटीनेटल विजिट में कैसा होता है आपका वेट कर सकते हैं बीएनसी का हाँ और टाई कार्ड लिख के देने का अच्छा इम्यूनाइजेशन कार्ड हाँ इम्यूनाइजेशन कार्ड टाई कार्ड मतलब कौन से महीने में देते हैं आप टाई कार्ड बोला तो हमें रजिस्ट्रेशन करते हैं ना हाँ हाँ उसी दिन उनका नाम क्या क्या और तो अच्छा हाँ एलएमपी कब था ईडीडी कब है सब कुछ आप लिख के वो कार्ड दे देते हैं आपको बिल्कुल अच्छा 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 तो टीटी देने के बाद आप माँ को दे देते हो ओ आई सी तो मतलब बच्चे के जन्म होने से पहले ही आप इम्यूनाइजेशन कार्ड लिख के उसको दे देते हैं बढ़िया एक्सेलेंट और फिर वो कंटिन्यू वही वाला वो हरक वाला कार्ड वो एनआरएचएम का कार्ड वो जो बड़ा वाला जो जिसमें बच्चा है इनफैक्ट मराठी माँ है इनफैक्ट एक्चुअली यस राइट एक्जैक्टली हाँ तो वो वाला तो वो आप दे देते हो और फिर उसके बाद हाँ और IFA और तो कब देते हैं आप फर्स्ट विजिट सेकंड विजिट कब अच्छा फर्स्ट विजिट पे फर्स्ट विजिट में 30 टैबलेट देके आते हैं सर
अच्छा 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 कुछ आप आयरन के लिए कुछ चेक करते हैं नीचे या ऐसा कुछ? एचपी देखते हैं? कैसे एचपी कैसे देखते हैं? ओह दैट्स नाइस। और बीपी? अच्छा पेपर है, पेपर टेस्ट में आप कर देख सकते हैं? ओह तो लैब तक लेके आने की जरूरत नहीं है, तभी ऑन द स्पॉट टेस्ट करते हैं। अच्छा सबसे कम एचपी आपने कौन सा देखा है? 8-7 ही देखे? तीन नहीं देखे कभी? नहीं तीन नहीं देखे? क्या आप बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा सी एच सी को रेफर करते हो आप? अच्छा अच्छा तो फिर आप लोग फिर उसके बाद जो असेसमेंट जो करते हैं आप लोग क्या मतलब क्योंकि जे एस वाई तो है यहाँ पे तो आप लोग मतलब कॉम्प्लिकेटेड केसेस को क्या ऊपर भेजते हैं सी एच सी को भेजते हैं? अच्छा और उसका क्या है सिस्टम, मतलब आप चिट भेजते हैं उनको कि कैसा है? ताई कार्ड में? अच्छा राइट एक्सेलेंट। अच्छा तालुक हॉस्पिटल में देखते हैं और वहाँ पे ओबी है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट है? अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट भी है? अच्छा पर वो लोग मतलब बाहर से ले लेते हैं ना, बाहर ले लेते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा बेलगाम से लेने के आना पड़ता है? अच्छा सैंक्शन नहीं है पर वो तो जे एस वाई के अंडर उसके लिए मतलब सेपरेट फंड भी है ना, एनेस्थेटिस्ट के लिए सेपरेट फंड है। अगर सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से एनेस्थेटिस्ट को लेके आने के लिए फंड है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फंड है, बुलाते हैं ना? अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो आप रेफर करते हो कौन से महीने में, मतलब अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है तो आप कौन से महीने में रेफर करते हो? अच्छा 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 ऐसे वो आशा लेके जाते हैं उनको? अच्छा 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 एक्सेलेंट ओके वेरी नाइस। हमारे इधर हर महीना थाना अशोक नगर में कैंप होता है एक बार डॉक्टर के लिए, चेकअप के लिए एमबीबीएस डॉक्टर है ना। अच्छा तो इधर लेके आके ऑलरेडी उनका चेकअप एमबीबीएस डॉक्टर कंपलसरी चेकअप करके लेते हैं और आशा कार्यकर्ता भी लेके आते हैं और आप मोटिवेशन आशा के थ्रू कर देते हैं ताकि मतलब अगर विजिट मिस हो गए तो आप आशा को भेज देते हैं कि बोलते हैं कि विजिट मिस हो गया फिर से आ जाओ वगैरह वगैरह। तो मेनली होता है कि टीटी होता है, आईएफए होता है, फिर उसके बाद असेसमेंट होता है आपके जो ग्रिप्स वगैरह जो आप करते हैं, फिर उसके बाद आप बीपी देखते हैं ऑब्वियसली। शुगर का कब देखते हो, ब्लड शुगर का? शुगर का भी दिया है, स्ट्रिप दिया है। अच्छा स्ट्रिप दिया है आपने, तो स्ट्रिप आप गांव में करते हो कि यहां लेके आते हो वापस? अच्छा गाँव में करते हैं। अच्छा एक्सलेंट एक्सलेंट नाइस। अच्छा ओके आई सी, हब कटर है सो अच्छा ब्रेक कटर है। अच्छा अच्छा हो अच्छा हाँ सेपरेट करना है इसको। अच्छा 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 हाँ हाँ बच्चों में कितना बेनिफिट है, हाँ उन लोगों का लिस्ट बनाने का, वो रजिस्टर अलग से, उसके बाद में टाई कार्ड रजिस्टर अलग से। अच्छा अच्छा और ये सारे रजिस्टर आप लेके जाते हो तो जब एग्जैक्टली तो आपके बाइक पे दो जन पूरा वैक्सीन सारे रजिस्टर? बाप रे माय गॉड, ओ माय गॉड व्हाट अ बिल्कुल यार। और ये मतलब पीएचसी का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि रजिस्टर पे रजिस्टर मतलब कोई भी नया कुछ योजना आ गया तो उस पर उसका नया रजिस्टर। एनीवे एनीहाउ